आज का राशिफल 30 जुलाई 2024। आज का पंचांग बताता है कि आज श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि और मंगलवार का दिन है। दशमी तिथि शाम के 4:45 तक, उपरांत एकादशी। मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान से हनुमान जी की पूजा अर्चना की जाती है। हनुमान जी की पूजा उपासना करने से जीवन की सभी बाधाओं से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। आज का शुभ और अशुभ मुहूर्त। आज शुभ मुहूर्तों की बात करते हुए, ब्रह्म मुहूर्त आज सुबह 4:29 से 5:32 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त दिन की सुबह की प्रारंभिक घड़ी होती है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान और ध्यान का प्रक्रिया मन को शांत और स्थिर बनाने में मदद करता है और आत्मा के उन्नति की दिशा में सहायक होता है। इसके अलावा योग, मेधा और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी ब्रह्म मुहूर्त का महत्व होता है। सूर्योदय आज सुबह 5:37 में और सूर्यास्त शाम 6:59 में होगा। सूर्योदय वह समय है जब सूर्य की प्रकाशमान होने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। सूर्यास्त वह समय है जब सूर्य अंतरिक्ष के किनारे पर जा रहा होता है और संध्या का समय आरंभ होता है। अमृतकाल आज सुबह 8:02 से 9:36 तक है। आज मंगलवार का अभिजीत मुहूर्त सुबह के 11:56 से 12:57 तक है। अभिजीत मुहूर्त शुभ कार्यों के लिए श्रेष्ठ अनुकूल समय माना जाता है। राहु काल 3:49 से 5:27 तक रहेगा, जिसका अर्थ है कि इस समय किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत न करें। इस समय शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं माना जाता है। आज 30 जुलाई सूर्य कर्क राशि में मौजूद है। साथ ही आज चंद्रमा वृषभ राशि पर संचार करेगा। वैदिक ज्योतिष में सूर्य देव को सरकारी नौकरी, आत्मविश्वास, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और पिता का कारक माना जाता है। आज मंगलवार है। मंगलवार को हिंदू धर्म में बड़ा महत्व है, खासकर भगवान हनुमान के पूजन के लिए। मंगलवार को भगवान हनुमान की पूजा और अर्चना करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। हनुमान जी का भक्ति और पूजन भक्तों को शौर्य, साहस और संयम की शक्ति प्रदान करता है। भगवान हनुमान के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने से उनका कृपालु आशीर्वाद प्राप्त होता है। ध्यान और मंत्र जाप। हनुमान जी का ध्यान करें और उनके मंत्र ओम हनुमते नमः का जाप करें। पूजा और अर्चना। हनुमान जी को सिंदूर, लाल चंदन और बिल्वपत्र से पूजें। उन्हें मिठाई, फल और प्रसाद के रूप में अर्पित करें। इन उपायों का पालन करके और हनुमान जी के नाम पर श्रद्धा और विश्वास रखकर आप हनुमान जी के आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं। कुंडली में मंगल ग्रह को शक्तिशाली बनाने के लिए कुछ सुझाव हैं। मंगल की पूजा करने से उसके नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सकता है और शुभ प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। मंगल मंत्र। मंगल के मंत्र का जाप करने से उसकी शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। ओम क्रां क्री क्रौं सह भौमाय नमः। यह मंत्र मंगल के लिए अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। दान। मंगल के दान से भी उसकी क्रोध शक्ति को नियंत्रित किया जा सकता है। लाल रंग के कपड़े, मसूर की दाल, मटर, ताम्रा और लोहे का दान भी किया जा सकता है। इस महत्वपूर्ण दिन में इन राशियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण और शुभ दिन हो सकता है, जहां वे अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। उन्हें अपने साधनों में सफलता की प्राप्ति का अवसर मिल सकता है और वे अपने जीवन में समृद्धि के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आइए जानते हैं आज यानी 30 जुलाई के दिन किन किन राशियों के लिए लकी रहने वाला है, साथ ही उपाय के बारे में भी जानते हैं। मेष राशिफल टुडेज एरीज हॉरोस्कोप। आज का दिन मेष राशि वालों के लिए उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ रहेगा। आज आप अपने सभी कार्यों को उत्साह पूर्वक पूरा करेंगे और इसका परिणाम भी सुखद रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन विशेष रूप से लाभदायक हो सकता है। यदि आप किसी नए कोर्स में दाखिला लेना चाह रहे थे और अब तक उसमें कोई समस्या आ रही थी, तो आज वह समस्या दूर हो सकती है। इसके लिए आप अपने शिक्षकों और मार्गदर्शकों से सलाह ले सकते हैं, जो आपकी इस राह को आसान बना सकते हैं। कार्यस्थल पर आपको अपने पिछले कामों की समीक्षा करने की आवश्यकता हो सकती है। कोई पुरानी गलती आज अधिकारियों के सामने आ सकती है, जिससे आपको कुछ पछतावा हो सकता है। ये स्थिति आपको सतर्कता और ध्यान पूर्वक काम करने की याद दिलाएगी। अतः भविष्य में ऐसी गलतियों से बचने के लिए अपने कार्यों में सुधार करें और पूरी निष्ठा से काम करें। आज आपको किसी भी बड़े निर्णय को लेने से पहले अच्छी तरह सोच विचार करना होगा। किसी के कहने पर आकर जल्दबाजी में कोई बड़ा काम न करें, नहीं तो समस्याएं बढ़ सकती हैं। आपकी जल्दबाजी आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। बेहतर होगा कि आप अपने परामर्शदाताओं और परिवार के सदस्यों से सलाह मशविरा करके ही कोई कदम उठाएं।
वैवाहिक जीवन में चल रही समस्याओं का आज समाधान हो सकता है। लंबे समय से चली आ रही परेशानियां और तनाव आज दूर हो सकते हैं, जिससे आपके रिश्ते में मिठास आएगी। आपको और आपके जीवन साथी को एक दूसरे को समझने और एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, जिससे आपके संबंधों में और मजबूती आएगी। आर्थिक मामलों में भी आज का दिन संतुलन बनाकर चलने का है। अपनी आय और व्यय पर ध्यान दें और अनावश्यक खर्चों से बचें। ये समय बचत और समझदारी से खर्च करने का है। किसी भी बड़ी वित्तीय योजना को अभी टालना बेहतर होगा और केवल आवश्यक खर्चों पर ही ध्यान केंद्रित करें। इस प्रकार आज का दिन आपके लिए नई चुनौतियों और अवसरों से भरा रहेगा, जिन्हें आप अपनी बुद्धिमानी और सतर्कता से सफलतापूर्वक पार कर सकते हैं। आज के लिए शुभ अंक 2। आज के लिए शुभ रंग ऑफ व्हाइट। मेष राशि का उपाय रेमेडी। आज मेष राशि के लिए उपाय है शिव पूजा और पीपल वृक्ष के समीप दीपदान। आज का दिन मेष राशि वालों के लिए आध्यात्मिकता पर ध्यान केंद्रित करने का दिन है। भगवान शिव की स्मरण और पूजा आपके लिए शुभ फलदायी होगी। यहाँ मेष राशि वालों के लिए कुछ उपाय दिए गए हैं। भगवान शिव का ध्यान करें और उनसे अपनी इच्छाओं को साझा करें। शिव मंदिर जाकर दर्शन पूजन करें और शिवलिंग पर जल दूध बेलपत्र अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। पीपल के वृक्ष के निकट दीप जलाएं। पीपल का वृक्ष भगवान विष्णु को प्रिय माना जाता है और इसे पवित्र वृक्ष माना जाता है। ध्यान करें और मौन रहें। इससे आपको मानसिक शांति और संतोष की अनुभूति होगी। इन उपायों को करने से आपका दिन शुभ और सकारात्मक रहेगा। आपको मानसिक शक्ति और स्थिरता प्राप्त होगी। आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। आपको आध्यात्मिक प्रगति मिलेगी। यह उपाय आपको लगातार 3 दिन करना चाहिए मनोकामना पूरी करने के लिए। वृषभ राशिफल टुडेज टॉरस हॉरोस्कोप। आज का दिन वृषभ राशि के विद्यार्थियों के लिए बुद्धिमानी और विवेक से भरे निर्णय लेने का रहेगा। आज आप जो भी निर्णय लेंगे उसमें आपके अनुभव और तर्क का समावेश होगा, जिससे आपके सभी कार्य सफलतापूर्वक पूरे होंगे। कला और रचनात्मकता के क्षेत्र में भी आपका कौशल आज और निखर सकता है। यदि आप किसी कला या रचनात्मक गतिविधि में संलग्न हैं, तो आज आपका प्रदर्शन बेहतर रहेगा और लोग आपकी प्रतिभा की सराहना करेंगे। माता पिता आज आपके मन में चल रही उलझनों को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। वे आपके जीवन की चुनौतियों को समझकर आपको सही मार्गदर्शन देने का प्रयास करेंगे। उनके साथ खुलकर बातचीत करें और अपने विचारों को साझा करें। ये संवाद आपको मानसिक शांति और समस्याओं के समाधान में मदद करेगा। आपको आज ये ध्यान रखना होगा कि आप किसी से ऐसी बात न बोलें जो किसी को बुरी लग सकती है। अपने शब्दों का चयन सोच समझकर करें और किसी भी स्थिति में शांत और संयमित बने रहें। आपके शब्दों का प्रभाव दूसरों पर पड़ेगा, इसलिए आपको हमेशा संवेदनशील और सकारात्मक रहना चाहिए। आज आपके घर में किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है, जिससे घर का माहौल खुशनुमा और पवित्र रहेगा। इस आयोजन में परिवार के सभी सदस्य मिलकर भाग लेंगे और इससे आपके पारिवारिक संबंध मजबूत होंगे। धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने से मानसिक शांति मिलेगी और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। आपको अपनी संतान के भविष्य को लेकर भी कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे। उनकी शिक्षा और करियर के लिए आपको धन संचय करने की योजना बनानी होगी। आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बचत और निवेश की योजना बना सकते हैं। इस प्रकार आज का दिन आपके लिए विचारशील और योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने का है, जिससे आप अपने और अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित और सफल बना सके। आज के लिए शुभ अंक 5। आज के लिए शुभ रंग गहरे भूरे। वृषभ राशि का उपाय रेमेडी। वृषभ राशि वालों के लिए आज का उपाय है शनि चालीसा का पाठ। वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन शनि देव की आराधना का दिन है। शनि चालीसा का पाठ करने से आपको शनि ग्रह के कुप्रभावों से मुक्ति मिल सकती है और आपका दिन शुभ बन सकता है। शनि चालीसा का पाठ करने के लाभ, शनि ग्रह के कुप्रभावों से मुक्ति। शनि ग्रह को कर्मफलदाता माना जाता है। यदि शनि ग्रह आपकी कुंडली में अशुभ स्थिति में है तो आपको कई तरह के कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। शनि चालीसा का पाठ करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। शुभ दिन, शनि चालीसा का पाठ करने से आपका दिन शुभ बनता है। मन में सकारात्मक विचार आते हैं और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। धैर्य, स्थिरता और समर्पण। शनि चालीसा का पाठ करने से धैर्य, स्थिरता और समर्पण की भावना प्राप्त होती है। ये गुण जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। संतुलन और सफलता। शनि चालीसा का पाठ करने से जीवन में संतुलन और सफलता आती है। मन परेशानियों से मुक्त रहता है और आत्मविश्वास बढ़ता है।
अशुभ गतिविधियों से बचाव। शनि चालीसा का पाठ करने से किसी भी प्रकार की अशुभ गतिविधियों से बचाव होता है। नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं और जीवन में सकारात्मकता आती है। प्राकृतिक मजबूती। शनि चालीसा का पाठ करने से शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूती प्राप्त होती है। रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है और आयु में वृद्धि होती है। शनि चालीसा का पाठ कैसे करें? सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। एक शांत जगह पर बैठे और शनि देव की मूर्ति या चित्र के सामने दीप जलाएं। शनि चालीसा का पाठ श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। पाठ के अंत में शनि देव से अपनी मनोकामनाएं मांगे। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि शनि चालीसा का पाठ केवल तभी प्रभावी होगा जब आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। नियमित रूप से पाठ करने से आपको अधिक लाभ मिलेगा। यह उपाय आपको लगातार 3 दिन करना चाहिए मनोकामना पूरी करने के लिए। मिथुन राशिफल टुडेज जेमिनी हॉरोस्कोप। आज का दिन मिथुन राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ कमजोर रह सकता है। आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। किसी भी प्रकार की शारीरिक समस्या को अनदेखा न करें और समय रहते उचित चिकित्सा लें। यदि आप पहले से किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं तो अपनी दवाइयों और नियमित जांच को लेकर सतर्क रहें। आपके स्वास्थ्य में सुधार के लिए आपको नियमित व्यायाम और स्वस्थ आहार अपनाना चाहिए। संतान के करियर में आ रही समस्याओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यदि आपके बच्चे शिक्षा या करियर के किसी मुद्दे से जूझ रहे हैं तो उनके साथ समय बिताएं और उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास करें। उन्हें सही मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान करें ताकि वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। आपके सहयोग और समझ से वे अपनी समस्याओं का समाधान पा सकेंगे। माता पिता की सलाह को नजरअंदाज न करें। वे जीवन के अनुभवों से भरे होते हैं और उनकी सलाह आपके लिए बहुत मूल्यवान हो सकती है। यदि वे आपको किसी विशेष विषय पर मार्गदर्शन दे रहे हैं तो उसे गंभीरता से लें और उस पर अमल करें। उनकी सलाह आपके लिए लाभकारी साबित हो सकती है और आपके जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद कर सकती है। जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए आज का दिन आर्थिक दृष्टिकोण से लाभदायक हो सकता है। आपको कमाई के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे जिनसे आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। इन अवसरों का पूरा लाभ उठाएं और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए सही रणनीतियां अपनाएं। हालांकि आपको अपने आसपास के लोगों से सावधान रहने की भी आवश्यकता है। आपके आसपास कुछ लोग आपके हितों के खिलाफ कार्य कर सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें और अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें। आपका मन आज किसी बात को लेकर परेशान रह सकता है। ये चिंता आपके व्यक्तिगत या पेशेवर जीवन से संबंधित हो सकती है। इस स्थिति में धैर्य और शांति बनाए रखें। अपनी समस्याओं को अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें जिससे आपको मानसिक राहत मिल सकती है। सकारात्मक सोच और ध्यान आपको इस परेशानी से उबरने में मदद करेंगे। इस प्रकार आज का दिन आपके लिए स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिहाज से महत्वपूर्ण है जिसमें आपको सावधानी और समझदारी से काम लेना होगा। आज के लिए शुभ अंक 1। आज के लिए शुभ रंग सफेद। मिथुन राशि का उपाय रेमेडी। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का उपाय यह है कि यदि आपको पैसों से जुड़ी परेशानी हो रही है और आप कर्ज में हैं, तो रविवार के दिन अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ घी का दीपक जलाएं। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय से सूर्य देवता और मां लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होती हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। इस उपाय को करते समय ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र का जाप करें। यह उपाय न केवल घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है बल्कि धन और समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। घी का दीपक जलाने से सूर्य देवता की कृपा से आपके कार्यों में सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है और आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं। इस विधि में मुख्य द्वार पर दीपक जलाने का महत्व यह है कि मुख्य द्वार को घर का प्रवेश द्वार और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। घी के दीपक से उत्पन्न प्रकाश और ऊर्जा आपके घर को नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त करते हैं और समृद्धि के द्वार खोलते हैं। इस प्रकार यह उपाय आपकी वित्तीय समस्याओं को हल करने और कर्ज से मुक्ति पाने के लिए अत्यंत प्रभावी है। यह उपाय आपको लगातार 3 दिन करना चाहिए मनोकामना पूरी करने के लिए। कर्क राशिफल टुडेज कैंसर हॉरोस्कोप। आज का दिन कर्क राशि वालों के लिए कानूनी मामलों में मिला जुला रहने वाला है। यदि आप किसी कानूनी प्रक्रिया में हैं, तो आज आपको मिश्रित परिणाम मिल सकते हैं। कुछ मामलों में आपको सफलता मिल सकती है जबकि अन्य में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको धैर्य और संयम से काम लेना होगा और कानूनी सलाहकारों से परामर्श लेना चाहिए। ये समय किसी भी कानूनी निर्णय को लेकर सतर्क रहने का है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन शिक्षा के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों से भरा हो सकता है।
उन्हें अपनी पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने में मुश्किल हो सकती है या किसी विषय में समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इन चुनौतियों को दूर करने के लिए छात्रों को अतिरिक्त प्रयास करने होंगे और अपने शिक्षकों या सहपाठियों से मदद लेनी चाहिए। समय का सही प्रबंधन और एक संगठित अध्ययन योजना बनाकर ही वे अपनी शैक्षिकी समस्याओं को हल कर सकते हैं। गृहस्थ जीवन में चल रही समस्याएं फिर से उभर सकती हैं। घरेलू मुद्दों को सुलझाने के लिए आपको अपने परिवार के सदस्यों के साथ खुलकर बातचीत करनी होगी। संवाद की कमी से गलतफहमियां बढ़ सकती हैं और इससे पारिवारिक संबंधों में दूरियां आ सकती हैं। अपने जीवन साथी और अन्य परिजनों के साथ समय बिताएं और उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास करें। बातचीत के माध्यम से ही आप इन समस्याओं को सुलझा पाएंगे और रिश्तों में सामंजस्य बना पाएंगे। जीवन साथी को करियर में तरक्की करते देख आपको खुशी होगी। उनके पेशेवर जीवन में सफलता से आपका गर्व महसूस होगा और इससे आपके रिश्ते में भी सकारात्मकता आएगी। उनकी उपलब्धियों का जश्न मनाएं और उनके साथ अपनी खुशियों को साझा करें। इससे आपके रिश्ते में और भी मजबूती आएगी। परिवार के किसी सदस्य की कोई बात आपको बुरी लग सकती है, लेकिन समझदारी दिखाते हुए आप चुप रहेंगे। यह आपकी परिपक्वता को दर्शाता है। किसी भी स्थिति में संयम बनाए रखें और अपने विचारों को शांतिपूर्ण तरीके से व्यक्त करें। इससे पारिवारिक माहौल भी सौहार्दपूर्ण रहेगा। आपको किसी काम को लेकर योजना बनाकर आगे बढ़ना होगा। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को बिना योजना बनाए शुरू करना जोखिम भरा हो सकता है। अपनी प्राथमिकताओं को निर्धारित करें और एक संगठित योजना बनाएं। इससे न केवल आपके कार्यों की प्रभावशीलता बढ़ेगी, बल्कि आप अपने लक्ष्यों को भी समय पर पूरा कर पाएंगे। इस प्रकार आज का दिन आपके लिए संयम, धैर्य और समझदारी से भरे निर्णय लेने का है, जिससे आप अपने सभी चुनौतियों का सामना कर सके और सफलतापूर्वक आगे बढ़ सके। आज के लिए शुभ अंक 8। आज के लिए शुभ रंग लेमन। कर्क राशि का उपाय रेमेडी। कर्क राशि वालों के लिए आज का उपाय है ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप और शनि मंदिर में दान। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज का दिन आपके लिए भगवान शनि की आराधना का दिन है। इस दिन आप निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। यह मंत्र भगवान शनि का प्रमुख मंत्र है। इस मंत्र का जाप करने से भगवान शनि प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। शनि मंदिर में जाकर दान दें। आप तेल, उड़द की दाल, रेशमी कपड़ा, लोहा आदि दान कर सकते हैं। शनि मंदिर में दान करने से शनि ग्रह के दुष्प्रभाव कम होते हैं और शनि के कष्टों से रक्षा मिलती है। इन उपायों के लाभ भगवान शनि की कृपा ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करने और शनि मंदिर में दान करने से भगवान शनि की कृपा प्राप्त होती है। दुष्प्रभाव कम होते हैं। शनि मंदिर में दान करने से शनि ग्रह के दुष्प्रभाव कम होते हैं। कष्टों से रक्षा ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करने और शनि मंदिर में दान करने से शनि के कष्टों से रक्षा मिलती है। स्थिरता और समृद्धि इन उपायों को करने से जीवन में स्थिरता और समृद्धि आती है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये उपाय केवल तभी प्रभावी होंगे जब आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। नियमित रूप से ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करने और शनि मंदिर में दान देने से आपको अधिक लाभ मिलेगा। यह उपाय आपको लगातार 3 दिन करना चाहिए मनोकामना पूरी करने के लिए। सिंह राशिफल टुडेज लियो हॉरोस्कोप। आज का दिन सिंह राशि वालों के लिए मान सम्मान में वृद्धि लेकर आने वाला है। आपके किए गए प्रयासों और मेहनत की सराहना होगी, जिससे आपकी सामाजिक स्थिति और प्रतिष्ठा में सुधार होगा। ये समय आपके लिए अच्छा है, जब आप अपने कार्यों और उपलब्धियों का आनंद ले सकते हैं और अपने आत्मसम्मान को बढ़ा सकते हैं। परिवार के साथ समय बिताना भी आज के दिन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहेगा। आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ मौज मस्ती और आनंदित क्षण बिताएंगे, जो आपके पारिवारिक संबंधों को मजबूत बनाएंगे। ये समय एकत्रित होकर सुखद समय बिताने और परिवार के साथ जुड़ने का है। कार्यक्षेत्र में आपको किसी खुशखबरी की प्राप्ति हो सकती है। यदि आप लंबे समय से अपने कामों को लेकर परेशान या चिंतित थे, तो आज उन समस्याओं का समाधान हो सकता है। कोई अच्छा समाचार या सकारात्मक बदलाव आपके कार्यक्षेत्र में हो सकता है, जो आपके मनोबल को ऊंचा उठाएगा और आपको आत्मविश्वास देगा। आपको अपने मित्रों के साथ किसी भी लेन देन को सोच समझ कर करना चाहिए। वित्तीय लेन देन में सावधानी बरते और किसी भी समझौते या लेन देन को सावधानी पूर्वक सोचे। ये समय बिना पूरी योजना और विचार के किसी भी वित्तीय निर्णय को लेने का नहीं है। इससे आपकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य को कल पर टालने से बचे। आज का दिन आपकी योजनाओं को पूरा करने और कार्यों को समय पर पूरा करने का है।
कार्यों को टालने से आपकी समस्याएं बढ़ सकती हैं और आपको भविष्य में और कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। बेहतर होगा कि आप अपने कार्यों को आज ही पूरा करें और किसी भी विलंब से बचें। इस प्रकार आज का दिन आपके लिए मान सम्मान की वृद्धि, पारिवारिक सुख और कार्य क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा, लेकिन आपको अपनी योजनाओं और लेन देन में सतर्कता बनाए रखनी होगी। आज के लिए शुभ अंक 3। आज के लिए शुभ रंग लाल। सिंह राशि का उपाय रेमेडी। सिंह राशि वालों के लिए आज का उपाय है भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत शुभ है। आज का दिन आपके लिए भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना का दिन है। आप निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें, उनके मंत्रों का जाप करें, उन्हें नीले अपराजिता फूल अर्पित करें, कर्पूर से आरती करें, ओम मंत्र का जाप करें। इन उपायों के लाभ, भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा। भगवान शिव और माता पार्वती दयालु देवता हैं। उनकी पूजा करने से आपको उनकी कृपा प्राप्त होती है, शांति और सुख। नीले अपराजिता फूल भगवान शिव और माता पार्वती को प्रिय है, उन्हें नीले अपराजिता फूल अर्पित करने से आपके जीवन में शांति और सुख की वृद्धि होती है। शुद्धता और पवित्रता, कर्पूर की धूप करने से माहौल में शुद्धता और पवित्रता का आभास होता है। मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति मजबूत। ओम मंत्र भगवान शिव का प्राण मंत्र है, इसका जाप करने से आपकी मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति मजबूत होती है। सफलता और खुशियाँ, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से आपको जीवन में सफलता और खुशियाँ प्राप्त होती है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये उपाय केवल तभी प्रभावी होंगे जब आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। नियमित रूप से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने और इन उपायों को करने से आपको अधिक लाभ मिलेगा। यह उपाय आपको लगातार 3 दिन करना चाहिए मनोकामना पूरी करने के लिए। कन्या राशिफल टुडेज वर्गो हॉरोस्कोप। आज का दिन कन्या राशि वालों के लिए रचनात्मक कार्यों में उत्कृष्टता प्राप्त करने और नाम कमाने का रहेगा। आपकी कलात्मक और सृजनात्मक क्षमताओं से आप महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। चाहे वह कोई नया प्रोजेक्ट हो या व्यक्तिगत प्रयास, आपकी बुद्धि और कौशल की सराहना होगी। ये समय आपके प्रतिभा को प्रदर्शित करने और उसकी पहचान बनाने का है। आपको आज लगातार खुशखबरी सुनने को मिल सकती है जो आपके मनोबल को ऊंचा बनाएगी। परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है जिससे घर का वातावरण खुशहाल और उत्साहपूर्ण रहेगा। इस कार्यक्रम में आपका सक्रिय भागीदारी और समर्थन पारिवारिक संबंधों को और मजबूत करेगा। हालांकि जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर आपको चिंता हो सकती है। यदि आपके जीवनसाथी की तबीयत ठीक नहीं है या वे किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं तो उनकी देखभाल और उपचार पर ध्यान दें। उनके स्वास्थ्य की नियमित निगरानी और उचित चिकित्सा की व्यवस्था करना महत्वपूर्ण होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से आपकी कमाई से ज्यादा खर्चों की चिंता आपको सताएगी। आपको अपने वित्तीय प्रबंधन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अनावश्यक खर्चों से बचने और बजट का पालन करने से आपकी आर्थिक स्थिति को स्थिर रखा जा सकता है। अपनी वित्तीय योजनाओं की समीक्षा करें और जरूरत के अनुसार समायोजन करें। यदि आपको कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़े तो उसे सलाह मशविरा करके ही लें। अपने विश्वासपात्र मित्रों, परिवार के सदस्यों या सलाहकारों से सलाह लेना सही रहेगा। उनके अनुभव और सुझाव आपके निर्णय को सही दिशा में ले जाने में मदद करेंगे। इस प्रकार आज का दिन आपके लिए रचनात्मकता, खुशखबरी, पारिवारिक उत्सव और आर्थिक प्रबंधन का मिश्रण रहेगा। अपने काम में पूर्णता बनाए रखें और अपनी चिंताओं का समाधान समझदारी से करें। आज के लिए शुभ अंक 7। आज के लिए शुभ रंग गुलाबी। कन्या राशि का उपाय रेमेडी। कन्या राशि वालों के लिए आज का उपाय है सूर्य मंत्र का जाप और बंदरों को भोजन। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज का दिन आपके लिए आध्यात्मिक उन्नति का दिन है। आप निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। सूर्य मंत्र का जाप करें, बंदरों को गेहूं और गुड़ खिलाएं। इन उपायों के लाभ, मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति मजबूत। सूर्य मंत्र का जाप करने से आपकी मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति मजबूत होती है। नकारात्मक विचार दूर होते हैं और मन शांत रहता है। ऊर्जा और प्रेरणा, सूर्य मंत्र का जाप करने से आपको ऊर्जा और प्रेरणा मिलती है। आत्मविश्वास बढ़ता है और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। धन और समृद्धि, बंदरों को गेहूं और गुड़ खिलाने से आपके जीवन में धन और समृद्धि की वृद्धि होती है। कार्य क्षेत्र में सफलता, बंदरों को गेहूं और गुड़ खिलाने से आपके कार्य क्षेत्र में किसी भी परेशानी को दूर करने में मदद मिलती है और आपका व्यापार या पेशेवर काम अधिक सफल होता है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये उपाय केवल तभी प्रभावी होंगे जब आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करें।
नियमित रूप से सूर्य मंत्र का जाप करने और बंदरों को गेहूं और गुड़ खिलाने से आपको अधिक लाभ मिलेगा। ये भी ध्यान रखें कि बंदरों को भोजन सुरक्षित स्थान पर ही खिलाना चाहिए, उनको परेशान नहीं करना चाहिए और उनके प्राकृतिक आवास का सम्मान करना चाहिए। यह उपाय आपको लगातार 3 दिन करना चाहिए मनोकामना पूरी करने के लिए। तुला राशिफल टुडेज लिब्रा हॉरोस्कोप। आज का दिन तुला राशि वालों के लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहेगा। कुछ क्षेत्रों में सफलता और प्रगति देखने को मिल सकती है, जबकि अन्य में आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। ये समय अपनी क्षमताओं का सही उपयोग करने और स्थिति को सही दिशा में ले जाने का है। आपको आज बिना मांगे सलाह देने से बचना चाहिए। लोगों को उनकी समस्याओं का समाधान स्वयं ढूंढने का अवसर दें और केवल तभी सलाह दें जब आपको पूछा जाए। आपकी अनावश्यक सलाह से स्थिति जटिल हो सकती है और ये दूसरों के साथ आपके संबंधों को प्रभावित कर सकती है। यदि आपकी तरक्की में कोई बाधा आ रही थी तो आज वह भी दूर हो सकती है। किसी भी कार्य में जो अड़चनें थी उन्हें पार करने के लिए आपकी मेहनत और ईमानदारी आज रंग ला सकती है। अपने प्रयासों को जारी रखें और सफलता आपके कदम चूमेगी। आपकी माताजी को अपने आसपास के लोगों से सावधान रहने की सलाह दी जाती है। वे कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपकी माँ को मानसिक या भावनात्मक परेशानियों का सामना करा सकते हैं। आपको सलाह दी जाती है कि उनकी सुरक्षा और भलाई पर ध्यान दें और आवश्यकता पड़ने पर उनसे सावधानी बरतने की सलाह दें। यदि आपका मन किसी बात को लेकर परेशान चल रहा है तो आप अपने पिताजी से साझा कर सकते हैं। वे आपकी समस्याओं को समझने और उचित समाधान प्रदान करने में सक्षम हो सकते हैं। उनका मार्गदर्शन और समर्थन आपको मानसिक शांति और सुकून प्रदान कर सकता है। यदि आपके आसपास कोई वाद विवाद हो तो आपको उसमें चुप रहना चाहिए। विवादों में न उलझना और शांत रहना आपके लिए बेहतर रहेगा। इससे आप अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगा सकेंगे और किसी भी अनावश्यक तनाव से बच सकेंगे। इस प्रकार आज का दिन आपके लिए सावधानी, समझदारी और सही निर्णय लेने का है। अपने कार्यों और संबंधों में संतुलन बनाए रखें और अपने मन की परेशानियों को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। आज के लिए शुभ अंक 8। आज के लिए शुभ रंग पर्पल। तुला राशि का उपाय प्रेमरी। तुला राशि के जातकों के लिए आज का उपाय है शारदा स्त्रोत का पाठ करें। शारदा स्त्रोत का पाठ करने से आपकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है और आप अपने जीवन में बेहतर निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। शारदा स्त्रोत भगवानेश्वरी शारदा माता को समर्पित है, जो ज्ञान और बुद्धि की देवी है। इस स्त्रोत का पाठ करने से व्यक्ति को बुद्धि की वृद्धि, विद्या का प्राप्ति और समस्याओं के समाधान में सहायता मिलती है। ये स्त्रोत ज्ञान की देवी का स्तुति करता है और उनकी कृपा को प्राप्त करने की इच्छा जताता है। शारदा स्त्रोत का पाठ करने से आपकी मानसिक शक्ति में वृद्धि होती है और आप जीवन में सफलता की ओर अधिक उत्साहित होते हैं। यह आपको अधिक ध्यानात्मक और समझदार बनाता है और आपकी चेतना को ऊर्जावान बनाता है। इस उपाय को नियमित रूप से करने से तुला राशि के जातक अपने जीवन में बुद्धिमत्ता, ज्ञान और समृद्धि का आनंद ले सकते हैं और सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह उपाय उन्हें उत्तम निर्णय लेने में मदद करता है और उन्हें जीवन के विभिन्न पहलुओं में उत्कृष्टता की ओर ले जाता है। यह उपाय आपको लगातार 3 दिन करना चाहिए मनोकामना पूरी करने के लिए। वृश्चिक राशिफल टुडेज स्कॉर्पियो हॉरोस्कोप। आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए जिम्मेदारी भरा रहेगा, जिसमें आपको विभिन्न कार्यों और दायित्वों को सही तरीके से निभाना होगा। ये समय आपकी मेहनत और समर्पण का मूल्यांकन करने का है और आपकी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी और तत्परता से निभाने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को आज अपने कामों से एक नई पहचान मिल सकती है। आपकी कड़ी मेहनत और समर्पण की सराहना होगी, जिससे आपकी समाज में स्थिति मजबूत होगी और आपके प्रयासों को मान्यता मिलेगी। ये समय आपके नेटवर्क को बढ़ाने और नए अवसरों को स्वीकार करने का है। व्यापार में कुछ नए उपकरणों या तकनीकों को शामिल करने से आपकी आय में वृद्धि हो सकती है। ये बदलाव आपके व्यापार को आधुनिक बनाने और बेहतर परिणाम प्राप्त करने में मदद कर सकता है। नवाचार और सुधार की दिशा में किए गए प्रयास लाभकारी साबित होंगे और आपके व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। भाई बहनों का आपको पूरा समर्थन मिलेगा। वे आपकी समस्याओं में आपकी मदद करेंगे और आपके साथ समय बिताने का मौका देंगे। इस सहयोग से आपको मानसिक और भावनात्मक संतुलन मिलेगा, जो आपके दिन को सकारात्मक और ऊर्जा से भरपूर बनाएगा। यदि आप किसी प्रॉपर्टी में निवेश करने की योजना बना रहे थे तो आज आपकी वह इच्छा पूरी हो सकती है। आपके निवेश से संबंधित मामलों में सकारात्मक विकास हो सकता है और आप अपनी संपत्ति संबंधी योजनाओं को क्रियान्वित कर सकते हैं।
ये समय उचित निर्णय लेने और निवेश की दिशा में आगे बढ़ने का है। आपको किसी सहयोगी से अपने मन की बात कहने का मौका मिलेगा। यह अवसर आपको अपनी चिंताओं और विचारों को साझा करने का मौका देगा, जिससे आपकी कार्यक्षेत्र में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी और आप बेहतर संवाद स्थापित कर सकेंगे। इस प्रकार आज का दिन आपके लिए जिम्मेदारी, पहचान, व्यापारिक सुधार, पारिवारिक सहयोग और निवेश के मामले में महत्वपूर्ण रहेगा। सभी क्षेत्रों में सतर्कता और समझदारी से काम लें और अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाएं। आज के लिए शुभ अंक 4। आज के लिए शुभ रंग जामुनी। वृश्चिक राशि का उपाय रेमेडी। आज वृश्चिक राशि के जातकों के लिए एक विशेष उपाय है जो उन्हें धन, समृद्धि और शांति की प्राप्ति में मदद कर सकता है। आपको आज माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। इसके लिए आपको कमल के फूल पर माता लक्ष्मी को स्थापित करना होगा। फिर आपको घर की उत्तर दिशा में भगवान विष्णु की तस्वीर को स्थापित करना चाहिए। अगले कदम में आपको माता लक्ष्मी की जल का कलश भरकर रखना होगा। फिर आपको विधि विधान से माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। आपको माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को तरह तरह के फूलों का अर्पण करना चाहिए और फिर माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए। फिर आपको माता लक्ष्मी के बीज मंत्र ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः का जाप करना चाहिए। इसके बाद आपको लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना चाहिए। आखिर में आपको कलश में रखे गए जल को पूरे घर में छिड़कना चाहिए। इस उपाय के द्वारा आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और धन आगमन के योग बनेंगे। यह उपाय आपके जीवन में सकारात्मकता, समृद्धि और शांति की प्राप्ति में मदद कर सकता है। यह उपाय आपको लगातार 3 दिन करना चाहिए मनोकामना पूरी करने के लिए। धनु राशिफल टुडे सजिटेरियस हॉरोस्कोप। आज का दिन धनु राशि वालों के लिए धनु सुखमय और सकारात्मक रहेगा। ये समय आपके जीवन में खुशी और संतोष का अनुभव करने का है। आपकी व्यक्तिगत और सामाजिक जिंदगी में सुख शांति का माहौल बना रहेगा, जिससे आप अपने दिन का पूरा आनंद ले सकेंगे। यदि आप प्रेम जीवन जी रहे हैं और किसी साथी से नाराजगी थी तो उसे दूर करने की कोशिश करनी होगी। आप अपने साथी से खुलकर बात करें और किसी भी असहमति को सुझाने का प्रयास करें। इससे आपके रिश्ते में सामंजस्य और समझदारी आएगी और आपका प्रेम संबंध और भी मजबूत होगा। आपके धन संबंधित मामलों को परिवार के साथ मिल बैठकर सुलझाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। परिवार के साथ मिलकर योजनाएं बनाएं और आर्थिक मुद्दों पर विचार विमर्श करें। इससे न केवल आपके वित्तीय मामलों में पारदर्शिता आएगी बल्कि परिवार में भी सामंजस्य और सहयोग बढ़ेगा। आपको किसी संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है जिससे घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। ये संपत्ति आपकी वित्तीय स्थिति को मजबूत कर सकती है और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। संपत्ति की प्राप्ति से आपके परिवार में भी खुशी का माहौल बनेगा। जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य आज भरपूर मात्रा में मिलेगा। वे आपके साथ समय बिताने और आपके प्रयासों को समर्थन देने के लिए तैयार रहेंगे। उनके सहयोग से आपके जीवन में सुख और संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी। आपकी किसी नए काम के प्रति रुचि जागृत हो सकती है। ये समय आपके लिए नए अवसरों को स्वीकार करने और नए प्रोजेक्ट्स पर काम करने का है। अपनी रुचियों का पालन करें और नए कामों को लेकर उत्साहित रहें, क्योंकि यह आपके जीवन में नई ऊर्जा और प्रेरणा का संचार करेगा। इस प्रकार आज का दिन आपके लिए प्रेम संबंध, वित्तीय मामलों, संपत्ति, जीवन साथी के सहयोग और नए अवसरों से भरा रहेगा। सभी पहलुओं में संतुलन बनाए रखें और अपने प्रयासों को सकारात्मक दिशा में लगाएं। आज के लिए शुभ अंक 9। आज के लिए शुभ रंग क्रीम। धनु राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन धनु राशि के जातकों के लिए उपाय है भगवान शिव के 11 रुद्र अवतार हनुमान जी की पूजा करना। इस पूजा को करते समय कपूर से आरती जरूर करें और उसके बाद बंदरों को भोजन करवाएं। इस उपाय के माध्यम से आप अपने जीवन में समृद्धि, सुख और शांति का आनंद ले सकते हैं। इस पूजा को करने के लिए सबसे पहले आपको शुद्धि के साथ स्नान करना चाहिए। फिर भगवान हनुमान की मूर्ति के सामने जाएं और उन्हें धूप, दीप, फल, फूल आदि से अर्पित करें। पूजा के दौरान निम्नलिखित मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते रुद्राय। इसके बाद कपूर से आरती करें और फिर बंदरों को भोजन करवाएं। बंदरों को प्यार और सम्मान से भोजन कराने से भगवान हनुमान आपके जीवन में खुशियां और सफलता लाने के लिए आपकी मदद करेंगे। इस पूजा को करते समय ध्यान और श्रद्धा से करें और भगवान को अपने मन की हर बात बताएं। इस उपाय से आपका जीवन सुखमय और समृद्धि से भरा रहेगा। यह उपाय आपको लगातार 3 दिन करना चाहिए मनोकामना पूरी करने के लिए। मकर राशिफल टुडेज कैप्रिकॉर्न हॉरोस्कोप। आज का दिन मकर राशि वालों के लिए आय के कई स्रोतों से भरा रहेगा, जो आपकी वित्तीय स्थिति को मजबूती प्रदान करेगा।
आपकी कमाई में वृद्धि होगी, जिससे आपको आर्थिक सुरक्षा का अनुभव होगा और आप अपने मनपसंद खर्चों को आसानी से पूरा कर सकेंगे। इस वित्तीय वृद्धि का आनंद लें और अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए इसका उपयोग करें। यदि आप रोजगार के मामले में परेशान चल रहे थे, तो आज आपको किसी खुशखबरी की प्राप्ति हो सकती है। आपके प्रयासों और मेहनत का फल अब मिलने वाला है, जिससे आपकी चिंता कम होगी और आपकी स्थिति में सुधार होगा। ये समय आपके पेशेवर जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का है। आपकी किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मुलाकात हो सकती है। यह मुलाकात आपके लिए सुखद और यादगार हो सकती है। पुराने यादें ताजा होंगी और आप अपने दोस्त के साथ समय बिताकर खुशी का अनुभव करेंगे। यह मुलाकात आपके रिश्ते को मजबूत करने और पुरानी यादों को संजोने का अच्छा अवसर है। आज आपको किसी अजनबी से अपने मन की बात शेयर करने से बचना चाहिए। अपने व्यक्तिगत विचारों और भावनाओं को किसी अनजान व्यक्ति के साथ साझा करने से बचें, क्योंकि इससे गलतफहमियां और समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अपने व्यक्तिगत मामलों को सीमित और गोपनीय रखें। इस प्रकार आज का दिन आपके लिए आय में वृद्धि, रोजगार की खुशखबरी, पुराने मित्रों के साथ मुलाकात और सावधानी पूर्वक बातचीत का रहेगा। अपने वित्तीय मामलों को संभालें, पुराने रिश्तों को संजोएं और अनावश्यक जोखिम से बचें। आज के लिए शुभ अंक 4। आज के लिए शुभ रंग पीला। मकर राशि का उपाय रेमेडी। मकर राशि वालों के लिए आज का उपाय है धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज का दिन आपके लिए धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति का दिन है। आप निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। भगवान शिव का शहद से अभिषेक करें। 5 धतूरे को हल्दी के जल में डुबोकर शिवलिंग पर अर्पित करें। शिवलिंग को स्पर्श करके भगवान शिव से सुख समृद्धि की कामना करें। इन उपायों के लाभ, धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति। भगवान शिव धन के देवता है। उनकी पूजा करने से आपको धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। धन में वृद्धि। भगवान शिव को शहद और धतूरा बहुत प्रिय है। इनका अर्पण करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और आपको धन में वृद्धि प्रदान करते हैं। संपत्ति और समृद्धि। भगवान शिव की पूजा करने से आपके जीवन में संपत्ति और समृद्धि आती है। आपको नई अवसर प्राप्त होते हैं और आपका व्यापार बढ़ता है। सुख समृद्धि। भगवान शिव की पूजा करने से आपको सुख समृद्धि प्राप्त होती है। आपके परिवार में खुशियां आती हैं और आपका मन शांत रहता है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये उपाय केवल तभी प्रभावी होंगे जब आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करने से आपको अधिक लाभ मिलेगा। पूजा करते समय ये ध्यान रखें कि आप शांत जगह पर बैठे और आपका मन एकाग्र हो। शिवलिंग को स्नान कराते समय ये ध्यान रखें कि पानी साफ और शुद्ध हो। धतूरे को हल्दी के जल में डुबोते समय ये ध्यान रखें कि हल्दी का पानी गाढ़ा हो। ये भी ध्यान रखें कि धतूरा एक जहरीला पदार्थ है। इसे बच्चों और पालतू जानवरों से दूर रखें। यह उपाय आपको लगातार 3 दिन करना चाहिए मनोकामना पूरी करने के लिए। कुंभ राशिफल टुडेज एक्वेरियस हॉरोस्कोप। आज का दिन कुंभ राशि वालों के लिए आपकी पद प्रतिष्ठा और सामाजिक सम्मान में वृद्धि लेकर आएगा। आपकी मेहनत और प्रयासों की सराहना होगी, जिससे आपके साख और मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। ये समय आपके लिए आपकी पेशेवर और सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाने का है। आपको कमाई के अच्छे स्रोत प्राप्त होंगे, जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। इन नए अवसरों का लाभ उठाएं और अपनी वित्तीय योजनाओं को साकार करने के लिए सही कदम उठाएं। आपकी वित्तीय सफलता आपकी मेहनत का परिणाम होगी और आपको संतोष का अनुभव होगा। आपको किसी विरोधी की बातों में आने से बचना चाहिए। विरोधी आपकी योजनाओं या प्रयासों को कमजोर करने का प्रयास कर सकते हैं। अपनी रणनीतियों और योजनाओं को सुरक्षित रखें और किसी भी असहमति या विरोध को शांतिपूर्वक निपटाएं। आपको अपने आसपास के शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। उनके कार्यों और बातों से सतर्क रहें और किसी भी खतरे को समय पर पहचानने की कोशिश करें। अपने दायरे को सुरक्षित रखने के लिए अपनी सतर्कता बनाए रखें। आप अपनों के साथ आनंदमय पल व्यतीत करेंगे। परिवार और प्रियजनों के साथ समय बिताना आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। इन पलों को संजोएं और अपने रिश्तों को मजबूत बनाने का प्रयास करें। घूमने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है। यात्रा के दौरान ध्यान रखें और नए ज्ञान या अवसरों को पहचानें, जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य भरपूर मात्रा में मिलेगा। आपके जीवन साथी की समर्थन और साथ से आप अपनी गतिविधियों को बेहतर ढंग से पूरा कर सकेंगे और उनके साथ खुशहाल समय बिता सकेंगे। व्यापार कर रहे लोगों को आज कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। ये समाचार आपके व्यवसाय की प्रगति और सफलता को दर्शा सकता है।
इसका लाभ उठाएं और अपने व्यापार के लिए नई योजनाएं बनाएं। इस प्रकार आज का दिन आपके लिए पद प्रतिष्ठा, आर्थिक लाभ, सुरक्षित रहना, पारिवारिक सुख और व्यापारिक सफलता से भरा रहेगा। अपने प्रयासों और सतर्कता को सही दिशा में लगाएं और अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में संतुलन बनाए रखें। आज के लिए शुभ अंक 6। आज के लिए शुभ रंग लाल। कुंभ राशि का उपाय रेमेडी। कुंभ राशि वालों के लिए आज का उपाय है स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज का दिन आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति का दिन है। आप निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। गणेश पूजा करें और भगवान गणेश को 21 बार बुलाएं। भगवान शिव को पंचामृत से अभिषेक करें। एक धतूरा लेकर उसे शिवलिंग के सामने अर्पित करें। 11 बार महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें। धतूरे को अपने पास रखें या उसे बीमार व्यक्ति के पास रखें। इन उपायों के लाभ, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति। भगवान शिव स्वास्थ्य के देवता हैं। उनकी पूजा करने से आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। रोगों का नाश। महामृत्युंजय मंत्र एक शक्तिशाली मंत्र है जो रोगों का नाश करता है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। भगवान गणेश की पूजा करने से आपको शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त होता है। सकारात्मक ऊर्जा। धतूरा नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये उपाय केवल तभी प्रभावी होंगे जब आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। नियमित रूप से भगवान शिव और भगवान गणेश की पूजा करने से आपको अधिक लाभ मिलेगा। पूजा करते समय ये ध्यान रखें कि आप शांत जगह पर बैठे और आपका मन एकाग्र हो। पंचामृत बनाते समय ये ध्यान रखें कि सभी सामग्री शुद्ध और ताजी हो। महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करते समय ये ध्यान रखें कि आपका उच्चारण स्पष्ट और धीमा हो। इस उपाय को करते समय आप भगवान शिव की कृपा की कामना करें और विश्वास रखें कि वे आपके दुख और पीड़ा को दूर करने में सक्षम है। यह उपाय आपको लगातार 3 दिन करना चाहिए मनोकामना पूरी करने के लिए। मीन राशिफल टुडेज पाइसीज हॉरोस्कोप। आज का दिन मीन राशि वालों के लिए खुशनुमा रहेगा। आपके जीवन में सकारात्मकता और खुशी का अनुभव होगा जो आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगा। आप अपने दिन का पूरा आनंद लेंगे और जीवन के सुखद पहलुओं को अनुभव करेंगे। कार्यक्षेत्र में आपके द्वारा दिए गए सुझावों का स्वागत होगा जिससे आपको खुशी और संतोष प्राप्त होगा। आपकी सलाह और विचारों को सराहा जाएगा और यह आपके पेशेवर मान सम्मान में वृद्धि का कारण बनेगा। अपने विचारों और सुझावों को साझा करने से न हिचकिचाएं क्योंकि आपकी मदद से कार्यक्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। यदि आपको आर्थिक स्थिति को लेकर कोई चिंता सता रही थी तो आज वह दूर हो सकती है। बिजनेस में उतार चढ़ाव के बावजूद आप अच्छा धन कमाने में सफल रहेंगे। आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा और आप अपने आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। अपने वित्तीय प्रबंधन पर ध्यान दें और अपनी योजनाओं को सही दिशा में ले जाएं। संतान की पढ़ाई को लेकर आपको कोई महत्वपूर्ण कदम उठाना पड़ सकता है। यदि आपके बच्चे की शिक्षा से संबंधित कोई समस्या या चुनौती है तो उसे हल करने के लिए ठोस और व्यावसायिक कदम उठाएं। सही निर्णय लेने से उनकी पढ़ाई में सुधार होगा और वे बेहतर परिणाम प्राप्त करेंगे। ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति को धन उधार देने से बचें। वित्तीय लेन देन में सावधानी बरतें और अपनी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्णय लें। धन उधार देने से बचना आपके लिए अधिक फायदेमंद रहेगा और आप संभावित विवादों और समस्याओं से बच सकेंगे। इस प्रकार आज का दिन आपके लिए खुशी, पेशेवर सफलता, वित्तीय स्थिरता, संतान की शिक्षा और वित्तीय लेन देन में सावधानी का रहेगा। अपने प्रयासों और निर्णयों को सोच समझ कर लें और अपने जीवन के सकारात्मक पहलुओं का पूरा आनंद लें। आज के लिए शुभ अंक 1। आज के लिए शुभ रंग लाल। मीन राशि का उपाय रेमेडी। मीन राशि वालों के लिए आज का उपाय है सफलता और सम्मान प्राप्ति। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज का दिन आपके लिए सफलता और सम्मान प्राप्ति का दिन है। आप निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। भगवान शिव का अभिषेक करें। ध्यान रखें कि दही भगवान शिव को बहुत प्रिय है। अभिषेक करते समय दही का प्रयोग जरूर करें। आज भगवान शिव की पूजा करें। एक सफेद कागज पर लाल रंग की कलम से अपनी मनोकामना लिखें। 30 मिनट तक ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। कागज को मोड़कर भगवान शिव को अर्पित करें। इन उपायों के लाभ, सफलता। भगवान शिव सफलता के देवता हैं। उनकी पूजा करने से आपको अपने कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। सम्मान। भगवान शिव सम्मान और प्रतिष्ठा के देवता भी हैं। उनकी पूजा करने से आपको समाज में सम्मान प्राप्त होता है। मनोकामना पूर्ति। ओम नमः शिवाय मंत्र एक शक्तिशाली मंत्र है जो आपकी मनोकामनाओं को पूरा करता है।
आत्मविश्वास। भगवान शिव की पूजा करने से आपको आत्मविश्वास मिलता है, आपके डर दूर होते हैं और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। मानसिक शांति। भगवान शिव की पूजा करने से आपको मानसिक शांति मिलती है, तनाव कम होता है और आप खुश रहते हैं। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये उपाय केवल तभी प्रभावी होंगे जब आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करने से आपको अधिक लाभ मिलेगा। पूजा करते समय ये ध्यान रखें कि आप शांत जगह पर बैठे और आपका मन एकाग्र हो। भगवान शिव का अभिषेक करते समय ये ध्यान रखें कि जल साफ और शुद्ध हो। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते समय ये ध्यान रखें कि आपका उच्चारण स्पष्ट और धीमा हो। यह उपाय आपको लगातार 3 दिन करना चाहिए मनोकामना पूरी करने के लिए।